आइए जो है हम लोग देखते हैं, देखिएगा तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर जो है हम लोग का थर्ड है। तो क्या है टू फाइंड, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में टू फाइंड दी रेजिस्टेंस ऑफ मूविंग बाय गैल्वेनिक मिक्सर बाय हाफ होते हैं। क्या करना है हम लोग को, क्या करना है टू फाइंड दी रेजिस्टेंस, गैल्वेनिक मिक्सर का रेजिस्टेंस फाइंड करना, लेकिन आप गैल्वेनिक मिक्सर ये गैल्वेनोमीटर, क्या करना है देखिए ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर, देखिए गैल्वेनोमीटर, देख रहे इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होता है ये हमको देखिए। तो हम लोग क्या करना है हाफ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर को क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंस, हाफ डिफ्लेक्शन क्या होता है देखिएगा, देखिए जैसे ये गैल्वेनोमीटर है तो एक बार ये क्या करेगा इस तरफ से इधर जाएगा, एक बार इधर, चाहे इधर जाए चाहे इधर, दोनों तरफ से हमें क्या करना है रीडिंग लें। जैसे इसमें 30 डिवीजन है तो दो दो डिवीजन करके हमको इसकी रीडिंग लेनी होती है। तो आप लोग को मैं बताया है एक्सपेरिमेंट कराया हमने, उसको दिखाया रीडिंग कैसे आएगी, क्या मॉनिटरिंग मैंने आपको दिखाया। तो आज मैं इसको क्या कर रहे हैं टेबल फॉर्म में लिखती हूँ, आप देखो कैसे जब हम क्या करेंगे रजिस्टर, देखिए इसमें दो हाई रजिस्टेंस क्या है, हाई रजिस्टेंस बॉक्स से क्या करेंगे, इसको हाई रजिस्टेंस बॉक्स से क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सेट करना है। अगर हमारा गैल्वेनोमीटर रीडिंग आउट ऑफ चला जाए, मतलब उससे बाहर चला जाए, तो हम इसको निकाल के लाएंगे कहाँ। तो हमने देखा 1050 मतलब 1050 के लिए कितना डिवीजन डाला है 28, तो इसको इसमें हम पहले डिवीजन लेंगे और इधर जाकर इससे निकालेंगे सेंट से। सेंट में क्या होता है कि स्मॉल रजिस्टेंस बॉक्स लेते हैं, तो उसमें 200 ओम का रजिस्टेंस निकाल देंगे। तो हमने देखा कि इसका आधा हाफ डिफ्लेक्शन है, उसको आधा ये आगे सेट हो गया और उस कंडीशन में आंसर आर इक्वल टू जी इक्वल आर एस अपन आर माइनस जी इक्वल आर एस अपन आर माइनस में हमने सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में हमने जो ई लिखा इसको फिर से क्या रजिस्टेंस बॉक्स में फिर से सेंट वाले में क्या करेंगे ई लगा देंगे और यहाँ पर मिल गया 1050 निकालो तो 36 सेट हुआ, यहाँ 200 वाला निकाला सेंट से ये 13 पे आ गया और कैलकुलेट के फॉर्म में रखते तो आया 2.0 होती है। अब तीसरी बार हम लेंगे रेडिंग 1400 के अगर 22 आ गया, यहाँ 200 से निकाला उसका हाफ 11 आ गया और वैल्यू नाइट 233.3 से सॉल्व करने के बाद में। तो चलिए चौथी कंडीशन 18 तक जो है उसको निकाला तो 18 आया, यहाँ 200 हो गया, इसका हाफ 900 और यहाँ सॉल्व किया कितना 225 और इन सबका एवरेज दिया हमारी वैल्यू अगर 300.25 है, कितना 300.25, यही हमारा क्या है जी की वैल्यू, जिसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर रजिस्टेंस कितना है 300.25 गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस। अब इसमें पूछा क्या कि मेरिट, मेरिट आप गैल्वेनोमीटर को बताना, तो मेरिट के लिए क्या करना होगा, देखिए मेरिट के लिए रजिस्टेंस ये है, गैल्वेनोमीटर का जो रजिस्टेंस वो है डिफ्लेक्शन में लेना है और फार्मूला A=R+G और थीटा होगा। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू वही वाली लेनी है जो पहले, और यहाँ पे जो वैल्यू जी होगी हम लोग कैलकुलेट करके मीन निकाले वो वाली वैल्यू लेंगे और थीटा भी यहाँ पे जो कैल्शन में ले लेंगे और इसमें रखें ईच वैल्यू, जैसे हमारा ईएमएफ कितने का है तो हमने 1 मीटर इलेक्ट्रॉन किया, 1 वोल्ट का हमारा ईएमएफ, 1 में रखते हैं कि सबका मल्टीप्लाई करके 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारे वैल्यू 0.07 और इसको बदलेंगे 7.4 10^-4 हो गया। दूसरी वैल्यू आती है हमारे इस दूसरे से इस वाले से, जब इसकी लेंगे तो 328 तक वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो आगे कितनी, जब दूसरी लेंगे 1150 पर तो आगे 3 से 1 हो गया, तो 26 रिफ्लेक्शन लिया और यहाँ की वैल्यू आपकी इसको सॉल्व करके 0.06895 और वैल्यू 6.8 हो गया। तीसरे में 1400 लेंगे
जब 30 मिनट में गया था 300 ईयर पे दरवाजे में था फिर एक मिनट हुआ गया और यहाँ हमने देखा 0.589 और 5.8 हुआ फिर चौक जब लास्ट का वैल्यू 14 ये वगैरह 18 और इसमें था हम सॉल्व करेंगे 0.017 और उसके बाद ये हम बता रहे इसका जो मीन इसी का जो मीन होगा हमारा तब हमारा मीन जो होगा ठीक है यही हमारा गैल्वानोमीटर का वो आ जाएगा रीडिंग आ जाएगा तो मीन आपको मैं लिख के देता हूँ जो इसका मीन है वो कितना है देखिए मैं सॉल्व किया हूँ तो इसका मीन जो होगा कितना है 6.8 ये हमारा मीन आ गया और सबको डिवाइड करेंगे मीन की वैल्यू तो रेजिस्टेंस आप गैल्वानोमीटर कितना होगा 300 कितना हो जाएगा 0.15 हो गया और हम लोग का जो मेरिट की वैल्यू तो रेजिस्टेंस अगर चीज की वैल्यू पूछा जाएगा तो आप यहाँ बताओगे कितना 300.25 और यहाँ से हम लोग अगर मेरिट की बात करेंगे तो हमारे मेरिट आगे 6.2 मेरिट हो गई यही हमें कैलकुलेट करके वहाँ पे मेरिट निकाला आपको समझ आ गया कैसे करना सबसे पहले मैंने आपको बताया दिखाया अगर आपने किसी गुरु नहीं देखे तो पहले इसका हमें क्या करना है पहले इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता वो देखेंगे कनेक्शन कैसे करना वो देखेंगे उसके बाद आप इस रीडिंग को अगर आप रोल करके समझ जाएंगे आप इसको फाइल कर सकते हो चलिए आगे देखते हैं।